श्री थॉम्पसन शहर के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। कुछ झड़पों के कारण उन्होंने अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया था। एक दिन उनके छोटे बेटे रवि पर हमला किया गया। रवि बच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जासूस मेहुल ने रवि के पिता को फोन किया और बताया कि उनका बेटा अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। इसके बाद मेहुल ने रवि के भाई को फोन किया और बताया कि उसका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। इसके बाद मेहुल ने रवि की बहन को फोन किया और बताया कि उसका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। ये तीनों अस्पताल पहुंचे। तीनों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रवि को मारने की कोशिश किसने की? मिस्टर थॉम्पसन के दो बेटे थे और मेहुल ने यह नहीं बताया था कि कौन सा बेटा अस्पताल में है। उसे कैसे पता चला कि यह रवि है? उसने रवि को मारने की कोशिश की। कमरे में 6 लोग हैं, 3 लंबे और 3 छोटे। उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे से हाथ मिलाने की जरूरत है, लेकिन एक स्थिति है, व्यक्ति को केवल एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना चाहिए जो उससे छोटा हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने हैंडशेक होंगे? कमेंट करके बताइए। जीरो स्थिति, एक व्यक्ति को केवल एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना चाहिए जो उससे छोटा है। इसलिए यदि एक लंबा व्यक्ति एक हाथ मिलाने के लिए एक छोटे व्यक्ति के पास जाता है तो छोटा हाथ नहीं हिलाएगा, क्योंकि दूसरा लंबा होता है। सबसे बड़ी लॉटरी ड्रा की घोषणा की जानी थी। एंकर ने तीसरे पुरस्कार के लिए टिकट नंबर बताया और शॉन उसे लेने के लिए मंच पर आया। तब एंकर ने 2वें पुरस्कार के लिए टिकट नंबर को बुलाया और डिटेक्टिव मेहुल इसे इकट्ठा करने के लिए आया। जब एंकर ने 1 पुरस्कार के लिए टिकट नंबर की घोषणा की तो 3 लोग पुरस्कार एकत्र करने के लिए मंच पर आए। उनमें से केवल एक के पास मूल टिकट है। मेहुल ने उन्हें अपने टिकट दिखाने के लिए कहा, क्या आप इन टिकटों को देख सकते हैं और मूल की पहचान कर सकते हैं? कमेंट करके बताइए। केवल पहला टिकट 2 पुरस्कार जीतने वाले टिकटों के पैटर्न से मेल खाता है।